ठीक है बेटा, लास्ट क्लास में हम लोग डाइकॉट लीफ के बारे में बात कर रहे थे। मैंने डाइकॉट लीफ के अंदर आपको कुछ चीजें बताई थी कि आपकी डाइकॉट और मोनोकॉट लीफ दैट इज कॉल्ड आपकी डॉर्सी वेंट्रल एंड आइसोबाइलेटरल, इनको हम लोग बोलते थे राइट। डाइकॉट लीफ दैट इज कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल, मोनोकॉट लीफ दैट इज कॉल्ड आइसोबाइलेटरल लीफ। मतलब आपके जो डाइकॉट लीव्स हैं इनकी अपर और लोअर सरफेस डिफरेंट है, और आपकी जो मोनोकॉट लीफ है इसकी अपर और लोअर सरफेस बिल्कुल सेम होगी। मैं पहले एक बार डायग्राम को समझा देता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे इन चीजों को, फिर हम आगे देखेंगे। जस्ट गिव मी वन मिनट। यू कैन सी हियर डाइकॉट लीव्स एज वेल एज मोनोकॉट लीव, दोनों ही आपको यहाँ दिखेंगे। यहाँ पे डिफरेंस पहले आप समझ लो कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है। सबसे ऊपर आपकी जो दे रखी है दैट इज ये आपकी डाइकॉट लीफ है, और नीचे आपकी ये मोनोकॉट लीफ। डाइकॉट लीफ जो मैंने आपको बताया था, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड डॉर्सी वेंट्रल लीव्स, क्योंकि यहाँ पे दोनों सरफेस डिफरेंट होती हैं। इट्स अ डॉर्सी वेंट्रल एंड मोनोकॉट, दिस इज आइसोबाइलेट। दैट इज ऑल्सो ठीक है। पहली चीज, डॉर्सी वेंट्रल में दोनों लीव्स दोनों सरफेस अलग हैं, आइसोबाइलेटरल में दोनों सरफेस सेम है। तो देखो यहाँ पे डाइकॉट की बात कर, यहाँ पे आपकी एपिडर्मिस को दो पार्ट में हमने देखा था डिवाइड कर दिया, एक अपर एपिडर्मिस दैट इज एडेक्सियल, एक लोअर एपिडर्मिस दैट इज कॉल्ड एबैक्सियल। गॉट इट? वन इज एडेक्सियल, सेकेंड वन इज योर एबैक्सियल एपिडर्मिस। आपकी एडेक्सियल एपिडर्मिस जो होती है बच्चों, दैट इज यहाँ पे आप देखोगे बीच में कहीं पर भी कोई स्पेस नहीं है, यानी अपर एपिडर्मिस पर जो है यहां स्टोमेटा एब्सेंट है, या तो बहुत कम होंगे या फिर एब्सेंट होंगे अपर एपिडर्मिस। आप खुद देख लो डायग्राम में, आपको साफ नजर आ रहा है कहीं पे भी ओपनिंग नहीं अपर एपिडर्मिस पे। दूसरा, इसके अपोजिट एबैक्सियल एपिडर्मिस जो लोअर एपिडर्मिस है, यहां आपको स्टोमेटा नजर आ रहे हैं। यू कैन सी हेयर, यहां पे आपके स्टोमा जो है, स्टोमेटा जो है, ये प्रेजेंट है। पहला डिफरेंस समझ में आया बच्चों डायग्राम से? गॉट इट? यस ठीक है। दूसरी चीज, आपके क्यूटिकल दोनों जगह प्रेजेंट होगी। देखो यहां पर भी आपके क्यूटिकल लेयर है अपर एपिडर्मिस में भी, और लोअर एपिडर्मिस में भी आपको क्यूटिकल नजर आएगी, क्योंकि लीफ की बात कर रहे हैं, आपकी ये लीफ की स्ट्रक्चर है। तो बच्चों इस लीफ की स्ट्रक्चर में चारों तरफ क्यूटिकल प्रेजेंट होगी कि नहीं होगी? सिंपल सी चीज है, प्रेजेंट होगी ही होगी राइट। इस पूरी सरफेस पे चारों तरफ आपकी क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, तो अपर क्यूटिकल भी होगी और लोअर क्यूटिकल भी होगी। दैट इज इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बच्चों, आपकी मीजोफिल पे आ जाते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मीजोफिल, ग्राउंड टिश्यूज। आपको मैंने नेक्स्ट क्लास में बताया था, लास्ट क्लास के अंदर, कि आपके मीजोफिल दो पार्ट में डिवाइड होते हैं। एक होते हैं पैलिसेट, एक होते हैं दैट इज स्पंजी मीजोफिल। दैट इज स्पंजी एंड दिस इज पैलिसेट। पैलिसेट मैंने बताए थे आपके कैसे होते हैं, पिलर लाइक, लंबे लंबे होंगे, तो दैट इज पिलर लाइक। इट्स अ पिलर लाइक स्ट्रक्चर। और आपके स्पॉन्जी मीजोफिल्स आपके दैट कैन बी राउंडेड, ये राउंड भी हो सकते हैं, ओवल भी हो सकते हैं, शेप में होंगे। तो आपको नीचे दिख रहे हैं स्पंजी मीजोफिल, ध्यान से समझना जो मैं बात बता रहा हूँ। स्पंजी मीजोफिल में आपको यहाँ पे बीच में बहुत सारी एयर कैविटी दिख रही है, जिसको हमने क्या कहा, दैट इज कॉल्ड सब स्टोमेटल कैविटी। दिस इज योर एयर कैविटी। अब बच्चों आपको नीचे तो एयर कैविटी नजर आ रही है, जो आपके स्पंजी मीजोफिल है उनके बीच में आपको ये सब कैविटी दिखेगी। ये सब कैविटी है यहाँ, ये कैविटी, ये कैविटी, यू कैन सी लॉट्स ऑफ कैविटी है ठीक है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। तो ऑब्वियसली बेटा आप खुद समझो इस चीज को, कि जो स्टोमेटा आपके नीचे की तरफ इसलिए ज्यादा है क्योंकि नीचे की तरफ आपके स्पंजी मीजोफिल टिश्यूज हैं, जहां पर एयर कैविटी बहुत है। तो ऑब्वियसली नीचे वाली सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे, तभी जो ट्रांसपिरेशन है बेटा, गैसियस एक्शन है, वो ज्यादा होगा। होगा कि नहीं होगा?
बात समझ में आई? आशीष, कृतिका, प्रभजोत, शिल्पा, ये वाली बात समझ में आई तुम लोगों को, या फिर से रिपीट करूं? सर कैन यू रिपीट इट? यस श्योर। देखो आपको मैंने यहाँ ये चीज बताई है कि आपके जो मेसोफिल टिश्यूज थे दो तरह के थे, दैट इज ऑफ टू टाइप्स। एक आपका था दैट इज मेसोफिल पैलिसेड डाइकॉट के अंदर, और एक है आपका दैट इज स्पॉन्जी। ठीक है, दोनों का नेचर पैरेंकाइमेटस है, दोनों ही आपके पैरेंकाइमेटस है, इसमें कोई शक नहीं। दोनों ग्रीन कलर के दिख रहे हैं आपको डायग्राम, दोनों पैरेंकाइमेटस है, ये भी पैरेंकाइमेटस, ये भी पैरेंकाइमेटस। ओके, बस इनकी शेप में चेंजेस आ गया। पैलिसेड आपके पिलर लाइक है, दैट्स अ पिलर लाइक, और ये आपके जो थे दैट इज राउंड या ओवल है। दूसरी चीज, स्पंजी में आपको यहाँ पे एयर कैविटी दिखेगी, एयर कैविटी प्रेजेंट होगी, और पैलिसेड में आपको एयर कैविटी नहीं मिलेगी, बहुत कम होगी। ये टैकली कॉम्पैक्टली अरेंज होते हैं, दीज आर कॉम्पैक्टली अरेंज, तो इनके अंदर एयर कैविटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब शिल्पा एंड बाकी बच्चों इस बात को समझना, आपके देखो एयर कैविटी कहाँ प्रेजेंट है, लोअर सरफेस पे प्रेजेंट है कि अपर सरफेस पे प्रेजेंट है एयर कैविटी जो है? लोअर सरफेस पे ज्यादा है, राइट। अब लोअर सरफेस पे एयर कैविटी ज्यादा है, यानी यहाँ पर आपकी एयर का डिपोजिशन ज्यादा होगा, इन कैविटी में आपका एयर ज्यादा डिपॉजिट रहेगी, जमा रहेगी, तो ऑब्वियसली नीचे वाली सरफेस पे आपके स्टोमेटा कैसे होंगे, कम होंगे कि ज्यादा होंगे? हाँ बच्चों, आपकी लीफ की जो लोअर सरफेस पे इस पे स्टोमेटा कैसे होंगे, कम कि ज्यादा? ज्यादा होंगे। गॉट इट? अब बात समझ में आई कि आपके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा क्यों होते हैं, क्योंकि लोअर सरफेस पे एयर कैविटी ज्यादा है, लोअर सरफेस पे स्पंजी मेसोफिल है जिनमें एयर कैविटी है, इसीलिए लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा हो गए। अपर सरफेस पे आपका पैलिसेड मेसोफिल है। अब आप देख रहे हो पैलिसेड, इनकी शेप देखो, आपको शेप खुद नजर आ रही है, ये सारे के सारे पैलिसेड कैसे हैं, पिलर लाइक है कि नहीं? दीज आर पिलर लाइक स्ट्रक्चर, और कॉम्पैक्टली अरेंज है एक दूसरे के साथ, कितना टाइटली अरेंज है। इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी बहुत दिख रही है आपको, ये बीच में छोटे छोटे जो गैप दिख रहे हैं व्हाइट कलर के, इंटरसेलुलर स्पेस थोड़ी बहुत प्रेजेंट है, लेकिन लोअर सरफेस पे जैसी एयर कैविटी थी वैसी एयर कैविटी यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो आपके पैलिसेड में आपका इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होगा, दैट कंटेन इंटरसेलुलर स्पेस, एंड यहां पे आपके स्टोमेटा कैसे होंगे, या तो नहीं होंगे स्टोमेटा, या तो लेस होंगे, दैट विल बी लेस इन नंबर, बहुत कम होंगे, या फिर एब्सेंट हो। ऐसा क्यों बच्चों? रीजन समझ में आता है? इसका एक रीजन और है, एक तो देखो एनाटॉमी का रीजन मैंने समझा दिया कि आपके लोअर सरफेस पे स्पंजी मेसोफिल है और उनमें आपकी एयर कैविटी, ओके, एंड दूसरा रीजन एक और है, आपकी जब सनलाइट पड़ती है लाइफ के ऊपर, आपकी पत्तियों के ऊपर, तो बेटा उसका कौन सा पार्ट सनलाइट के कांटेक्ट में ज्यादा एक्सपोज होता है, अपर पार्ट ज्यादा एक्सपोज होगा कि लोअर पार्ट ज्यादा एक्सपोज होगा लीफ का? अपर पार्ट होगा, राइट। अब ऑब्वियसली जब अपर पार्ट एक्सपोज होगा और अगर अपर पार्ट पे स्टोमेटा ज्यादा होंगे, तो बेटा ट्रांसपिरेशन रेट जो है वो कैसा हो जाएगा, कम कि ज्यादा? अगर इस पे आपके अपर पार्ट पे स्टोमेटा ज्यादा हो गए है, तो बेटा आपका ट्रांसपिरेशन रेट कैसा हो जाएगा? कम कि ज्यादा? राइट प्रोफेसर, दैट विल गेट इंक्रीज। आपका जब स्टोमेटा नंबर ज्यादा हो रहे हैं तो ट्रांसपिरेशन रेट भी ज्यादा हो जाएगा। सन की अगर आप जैसे लीफ अपर पार्ट की बात करें, वी आर टॉकिंग अबाउट द अपर पार्ट, सो इसीलिए वाटर का लॉस ज्यादा ना हो तो आपके स्टोमेटा अपर सरफेस पे कम होते हैं और लोअर सरफेस पे ज्यादा होते हैं, क्योंकि वहां सन
क्या डायरेक्ट कॉन्टेक्ट नहीं हो रहा, सनलाइट से डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में नहीं आ रहा लोअर पार्ट। अब बात समझ में आ गई बच्चों? Yes, sir. बाकी बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? अविनाश, आशीष, इज इट क्लियर टू एवरीवन? आशीष इज नॉट। शिल्पा, इज इट क्लियर टू यू ऑल्सो? यस। ओके ग्रेट। अविनाश तुम्हें समझ में आ गई ना बात? सर ये लास्ट वाला लाइन थोड़ा फिर से रिपीट करेंगे। लास्ट वाला लाइन में मैंने बच्चे बस ये बताया है कि आपकी लीफ जो है डाइकॉट उस पे अपर पार्ट पे स्टोमेटा कम होंगे, ऊपर वाली सरफेस पे एडैक्सियल एपिडर्मिस पे ऊपर वाली सरफेस पे स्टोमेटा कम होंगे। देखो मैंने यहाँ लिख भी रखा है स्टोमेटा एब्सेंट, या तो बहुत कम है या बिल्कुल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अपर पार्ट आपका सनलाइट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आता है, और अगर सनलाइट के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में आएगा और स्टोमेटा ज्यादा होंगे तो ट्रांसपिरेशन रेट ज्यादा हो जाएगा, वाटर लॉस ज्यादा हो जाएगा, और वो चीज प्लांट होने नहीं देते। इसीलिए उनके लोअर सरफेस पे स्टोमेटा ज्यादा है और अपर सरफेस पे स्टोमेटा कम। क्लियर अविनाश? यस सर। और दूसरा कंसेप्ट जो एनाटॉमी पे आप साफ देख रहे हो, ये मैं नहीं बोल रहा, आप एनाटॉमी से खुद समझ सकते हैं कि आपकी एनाटॉमी डाइकॉट की कैसी है। अपर पार्ट पे आपके एडेक्सियल और लोअर पार्ट पे एबेक्सियल एपिडर्मिस थी। अपर पार्ट पे आपके स्टोमेटा बहुत कम है, ना के बराबर है, लोअर पार्ट पे स्टोमेटा ज्यादा है। ठीक है, अपर पार्ट पे आपका मेसोफिल पैलिसेड है जो लंबे है, दैट इज पिलर लाइक, जबकि लोअर पार्ट पे आपका मेसोफिल स्पंजी है। नाम से समझ में आ रहा है स्पंजी है, तो इनमें आपका क्या होगी, एयर कैविटी होगी जिसमें आपकी स्टोमेटा के थ्रू एयर आएगी और यहाँ पर स्टोर हो जाएगी। सो अब आप खुद देख लो डाइकॉट की अपर और लोअर जो पार्ट है बेटा, अपर एंड लोअर पार्ट में आपको डिफरेंस नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा डायग्राम में? यू कैन इजीली अंडरस्टैंड दिस, गेटिंग माय पॉइंट? यस। ओके, इतनी इतने धीमे? यस सर, ऐसा लग रहा है जैसे अपने आप से बात कर रहे हो। चलो अब आ जाओ इसके बाद आपके नेक्स्ट इसी में आपके वैस्कुलर बंडल्स। तो यहां देखो आपका वैस्कुलर बंडल ये है, दिस वन इज योर वैस्कुलर बंडल। ये वाला पार्ट आपको जो ब्लू कलर से दिख रहा है, ये सारा आपका वैस्कुलर बंडल है। इसमें ये आपके जाइलम फ्लोएम दिखा दिए अंदर, दैट इज ये जाइलम फ्लोएम यहाँ पर प्रेजेंट है। यहाँ पे आपको एक स्पेशल चीज देखने को मिलती है, एंड दिस इज बंडल शीट। ये इसके चारों तरफ आपको ये बंडल शीट नजर आएगी, यू विल सी द बंडल शीट। दैट ये पूरी की पूरी आपके जाइलम फ्लोएम को प्रोटेक्ट करके रखती है। ठीक है, दैट इज बंडल शीट। ये बंडल शीट मैंने आपको मोनोकॉट के अंदर भी बताई, याद है मोनोकॉट स्टेम की हम लोग बात कर रहे थे, तो शायद मुझे जाते याद है मैंने मोनोकॉट स्टेम में भी आपको बंडल शीट बताई कि आपके जाइलम फ्लोएम बीच में होते हैं, चारों तरफ से उनको बंडल शीट जो होती थी वो कवर करके रखती थी। और जो बंडल शीट होती थी वो कैसी होती थी, आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस होती थी, याद है ना मोनोकॉट के अंदर हमने जब बात करी थी लास्ट क्लास में। बेटा याद है कि नहीं? ओके, इतना धीमे? ओके, अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे जो ये बंडल शीट है बेटा, ये डायग्राम की हेल्प से आप बता सकते हो कैसी है, पैरेन्काइमेटस, कोलेन्काइमेटस या स्क्लेरेन्काइमेटस विद द हेल्प ऑफ डायग्राम? ये मैंने येलो कर दिया था, इसको हटा देता हूँ। ये आप मुझे बता सकते हो इसका नेचर कैसा है बंडल शीट का, पैरेन्काइमेटस है, कोलेन्काइमेटस है या स्क्लेरेन्काइमेटस है? डायग्राम देख के बताओ। हाँ बच्चों, सर स्क्लेरेन्काइमेटस। ओके, अविनाश सेड स्क्लेरेन्काइमेटस। यस शिल्पा, योर आंसर? सर स्क्लेरेन्काइमेटस। स्क्लेरेन्काइमेटस, ओके। रितिका, प्रभजोत, आप दोनों का आंसर? डायग्राम की हेल्प से बताओ, मैं नहीं कुछ बोल रहा। क्लियर है? ओके प्रभजोत, ओके प्रभजोत क्लियर है।
वाओ, सारे दोस्ती निभा रहे हैं। अच्छा मुझे ये डायग्राम में एक चीज बताओ, आपको जो बंडल शीट है किस कलर की दिख रही है? ग्रीन। ग्रीन दिख रही है ना, और ये चीज मैंने तुम्हें बोला भी था कि जब आपको कोई चीज ग्रीन दिख रही है डायग्राम में तो आप समझ जाओ वो कैसी होगी। दैट विल बी पैरेन्काइमेटस। आपकी स्क्लेरेन्काइमेटस तो आपके मोनोकॉट स्टेम में होती है बच्चों। द बंडल शीथ इज स्क्लेरेन्काइमेटस इन मोनोकॉट स्टेम। यहाँ पे मैं नहीं बोल रहा, डायग्राम में आपके साथ दिख रहा है कि आपके बंडल शीथ ग्रीन कलर की है, तो ये कैसी हो जाएगी? ऑब्वियसली आपकी पैरेन्काइमेटस हो जाएगी, क्योंकि लीफ में प्रेजेंट है और लीफ के अंदर जो मेजोरिटी है वो आपके पैरेन्काइमेटस की है, ना कि यहाँ पे स्क्लेरेन्काइमेटस की होगी। बात समझ में आई अविनाश, प्रभजोत, रितिका? ओके ठीक है, ठीक है प्रभजोत, वेरी गुड। पेपर में भी कुछ और समझ लेना, ठीक है ना। डायग्राम अरे ब्लू नहीं है, ब्लू वाला अंदर वाला पार्ट तो आपका जाइलम ऑफ फ्लोएम है, इसके चारों तरफ ये वाला पार्ट मैंने दिखाया था ना आप लोगों को, दैट इज ये है आपका बंडल शीट जिसको मैं मार्क कर रहा हूं अगेन। ये है आपकी, अंदर ब्लू वाला पार्ट तो जाइलम फ्लोएम का है, यहाँ पे भी आपके जाइलम फ्लोएम स्कैटर्ड है, यहाँ पे भी आपके वेस्कुलर बंडल स्कैटर्ड होंगे, जैसे आपके स्टेम के अंदर डाइकॉट में रिंग अरेंजमेंट था, यहाँ नहीं होगा। मोनोकॉट स्टेम में आपके स्कैटर्ड थे, लीफ में भी आपके स्कैटर्ड है यहाँ पे। गॉट इट बच्चों, बात समझ में आ गई बेटा? ये डायग्राम समझ में आया ना आप लोगों को अब? यस सर। ओके अविनाश, इज इट क्लियर टू यू आल्सो? प्रभजोत, रितिका, शिल्पा? यस सर। ठीक है ना, ठीक है ठीक है, ये डायग्राम जरूर अपने एनसीईआरटी में लिख लेना। अब आ जाओ मोनोकॉट लीफ पर, डिफरेंसेस हमें देखने हैं। हमें ये पता है मोनोकॉट कैसी है, हमारी आइसोबाइलेटरल है, मतलब इसकी अपर और लोअर सर्फेस बिल्कुल सेम होगी। तो आप देखो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर एपिडर्मिस एक ही है, यहाँ पर भी वही एपिडर्मिस है, एडेक्सियल एंड एबेक्सियल दोनों जगह पे है, अपर एंड लोअर एपिडर्मिस, दैट इज एडेक्सियल एंड एबेक्सियल, लेकिन स्ट्रोमा आपको दोनों जगह दिखाई देंगे। देखो यहाँ पर भी आपका स्ट्रोमा है, अपर पे भी और आपके लोअर पे भी स्ट्रोमा होगा, स्ट्रोमा आपके दोनों जगह प्रेजेंट होंगे, अपर पे भी लोअर पे भी, पहली चीज ठीक है, क्योंकि सरफेस एक सी है। Then, इसके बाद आप देखो दूसरा डिफरेंस, यहाँ मीजोफिल आपका डिफरेंशिएट नहीं है, यहाँ पे ना तो कोई पैलिसेड वाला कंसेप्ट है ना यहाँ स्पंजी वाला कंसेप्ट ऐसा आया कि यहाँ के आप जैसे आपने डायकॉट में देखा था कि आपके पैलिसेड थे और स्पंजी थे, यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ मीजोफिल टिश्यूज आर प्रेजेंट, यहाँ सिर्फ ये है मीजोफिल टिश्यूज है दैट इज, और इन्हीं मीजोफिल टिश्यूज में आपको कैविटी देखने को मिल जाएगी, एयर कैविटी, सब स्टोमल कैविटी, दैट मीन्स योर एयर कैविटी विच आर प्रेजेंट इन दीज मीजोफिल टिश्यूज। बात क्लियर यहां तक? अब आ जाओ इसके बाद, नाउ नेक्स्ट देखो फ्लोएम, आपका फ्लोएम यहां पर भी है, ये ग्रीन कलर का पार्ट है दैट इज फ्लोएम, और ये भी आपका फ्लोएम है ऊपर, दैट इज यहां पर ही फ्लोएम, नीचे भी फ्लोएम होगा, और बीच में आपके क्या प्रेजेंट है, दैट इज जाइलम प्रेजेंट है, द जाइलम इज प्रेजेंट इन बिटवीन देम। बात क्लियर बच्चों यहां तक? बेटा ये वाली बात समझ में आई? ओके ठीक है, ये चीज समझ गई। अब यहाँ पे आपको कहीं पर भी बंडल शीट दिखाई दे रही है क्या जाइलम फ्लोएम के चारों तरफ? नहीं दिख रही है ना, देयर इज नो बंडल शीट, यहाँ पे आपकी कोई बंडल शीट नहीं है, यहाँ बंडल शीट नहीं होती है, यहाँ पे बंडल शीट नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है ग्रासेस के अंदर, खासतौर से आपकी जो ग्रासेस होती हैं उनमें एक स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं बुली फॉर्म सेल्स। आपकी ये चीज मैं यहाँ जरूर बताऊंगा बच्चों, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, नीट में 4 मार्क्स का क्वेश्चन है ये, और है कुछ नहीं, बहुत ईजी है। अंडरस्टैंड दिस थिंग, आपके जो ग्रासेस होती हैं मोनोकॉट्स, इनके अंदर बेटा आपके क्या होती हैं, जो एपिडर्मिस होती है, इस पॉइंट को मैं लिख देता हूं यहीं पे,
आपकी जो अपर एपिडर्मिस होती है दैट इज एडेक्सियल एपिडर्मिस, ठीक है, एडेक्सियल एपिडर्मल सेल्स जो है आपकी, ये बेटा आपके वेन्स के साथ मिलकर जो आपकी वेन्स हैं लीफ के अंदर जिसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये दोनों आपस में मिलकर बेटा क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं आपकी बुलीफॉर्म सेल्स, दैट फॉर्म बुलीफॉर्म सेल्स। ये बुलीफॉर्म सेल्स कैसी होती हैं, कलरलेस होती हैं, दैट आर कलरलेस, ठीक है, कलरलेस होती हैं। और इनका काम क्या होता है, दैट विल एब्सॉर्ब वाटर, ये वाटर को एब्सॉर्ब करती है। अब मेरी एक चीज को बच्चा समझ, बच्चों जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी ये बुलीफॉर्म सेल्स तो कैसी होंगी, स्वेल अप हो जाएंगी कि नहीं हो जाएंगी, बताओ शिल्पा, राइट शिल्पा, राइट, ओके अविनाश, रितिका, प्रभजोत, बात समझ में आई ना भाई, आप जब बैलून के अंदर हवा भर जाओ तो वो फूल जाता है ना, सेम वैसे ही आपकी बुलीफॉर्म सेल्स जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी, जब ये वाटर को एब्सॉर्ब करेंगी, जब इन्होंने वाटर एब्सॉर्ब किया तो ये सेल्स कैसी हो जाएंगी, दैट विल बिकम स्वेल अप, फूल जाएंगी, ठीक है, आपकी फूल गई, स्वेल अप हो गई। और जब ये बुलीफॉर्म स्वेल अप हो जाती है तो एज ए रिजल्ट जो आपकी लीफ है, मोनोकॉट लीफ है, ये लीफ कैसी हो जाती है, दैट विल बिकम एक्सपोज्ड, यानी फैल जाती है, प्लांट की लीफ कैसी हो गई, फैल गई, जब पानी बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर गया तो प्लांट की लीफ फैल गई, बात समझ में आ गई। और जब पानी नहीं होता बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर, जब वाटर एब्सेंट हो, जब वाटर आपका बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर एब्सेंट है, तब क्या होगा, अब पानी है नहीं, बुलीफॉर्म सेल्स कैसी हो जाएंगी, आपकी बुलीफॉर्म सेल्स दैट विल बिकम फ्लैसिड, कैसी बन चुकी है, फ्लैसिड, फ्लैसिड का मतलब चिपटी, श्रिंक हो जाएंगी, कर्ल हो जाएंगी, दैट विल बिकम फ्लैसिड यानी कर्ल हो जाएंगी, ठीक है। आपकी जब ये बुलीफॉर्म सेल्स फ्लैसिड हो गई तो आपकी लीफ कैसी हो जाएगी, एज ए रिजल्ट नाउ दैट विल आल्सो बिकम कर्ल, आपकी लीफ भी कर्ल हो गई, मुड़ गई। अब मुझे एक चीज बताओ, आपकी जब लीफ एक्सपोज होगी, यानी ये लीफ इस तरह से फैल गई, ठीक है, एक तो ये जब वाटर एब्सॉर्ब हुआ बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर, पैरेलल, एक सेकंड, पैरेलल वेनेशन दिखा रहा हूं, मोनोकॉट लीफ है तो ये रेटिकुलेट हो जाएगा, मोनोकॉट लीफ है, ठीक है, ये आपकी मोनोकॉट लीफ लाइक दिस, ये इसका मिडरिप और ये इसकी वेंस, ठीक है। एक तो ये लीफ जब आपके इसमें वाटर था बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर, तब ये लीफ आपकी इस तरह से एक्सपोज हो गई, और जब वाटर नहीं था तो लीफ कैसी हो गई, कर्ल हो गई लाइक इस तरह से, ठीक है, सिकुड़ गई। अब बच्चों इसमें से मुझे एक चीज बताओ, सरफेस एरिया किसका ज्यादा है, इस वाली लीफ का ए का ज्यादा है कि बी का ज्यादा है, ए सर, ए का ज्यादा है, राइट। अब ए का सरफेस एरिया ज्यादा है तो सनलाइट ट्रांसपिरेशन का रेट किसमें ज्यादा होगा, ए में कि बी में, ए ओनली, ए में ना, क्योंकि तो यहाँ पे आपका लीव कैसी हो रही है, एक्सपोज हो रही है यानी फैल गई। शिल्पा, रितिका एंड प्रभजोत, बच्चों तीनों को मेरी बात समझ में आ रही है, यस सर, यस सर, रितिका आपको, यस सर, ठीक है, चलो ठीक है। तो जब आपका बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर पानी गया वो स्वेल अप हो गई और एज ए रिजल्ट आपकी जो लीफ थी वो भी फैल गई, जब वो लीफ फैल रही है तो यानी सनलाइट का कांटेक्ट उससे ज्यादा होगा, ट्रांसपिरेशन रेट के चांसेस ज्यादा हो गए, ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ जाएगा। लेकिन जब वही बुलीफॉर्म सेल्स के अंदर पानी नहीं रहा तो आपकी लीफ कैसी हो गई, सिकुड़ गई, फ्लैसिड हो गई है, कर्ल बन चुकी है, यानी
अब यहाँ पे सनलाइट का कॉन्टेक्ट ज्यादा नहीं है इस लीफ पर, तो ट्रांसपिरेशन रेट यहाँ पे आपका कैसा हो जाएगा, टी आर दैट विल गेट डिक्रीज, और यहाँ पे आपका ट्रांसपिरेशन रेट इंक्रीज है। बात समझ में आई? बुलिफॉर्म सेल्स आपके ट्रांसपिरेशन रेट को कम करने का काम करती है, दैट विल आपके वाटर लॉस को कम करने का काम करती है। जब पानी बहुत है तब तो कोई दिक्कत नहीं है मोनोकॉट के अंदर, तब तो बुलिफॉर्म सेल्स पानी को एब्जॉर्ब कर लेंगे, लीव्स को एक्सपेंड कर देंगी और आपका एवोपरेशन होता रहेगा यानी ट्रांसपिरेशन होता रहेगा। लेकिन जब पानी की कमी हो जाती है तो बुलिफॉर्म सेल्स अपने अंदर से वाटर को लॉस कर देती है ताकि आपकी लीफ फ्लैसिड हो जाए, सिकुड़ जाए और ट्रांसपिरेशन रेट कम हो जाए। बात समझ में आ गई बच्चों? फंक्शन समझ में आई बुलिफॉर्म सेल्स की? यस सर। यस ठीक है। और ये आपका नीट का क्वेश्चन है कि बुलिफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, लास्ट ईयर ही आया था ये क्वेश्चन, लास्ट ईयर ही आया हुआ है कि आपकी बुलिफॉर्म सेल्स किस में प्रेजेंट होती है, ग्रासेस में प्रेजेंट होती है। दैट इज जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस पिक्चर, बेटा इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आप लिखो मत, इसका स्क्रीनशॉट करो। ले लिया? डन बच्चों? यस सर। ठीक है, ओके प्रभजोत। तो ये हो गया आपके अब मोनोकॉट डाइकॉट लीफ में डिफरेंस। आपको डायग्राम से क्लियर हो चुका होगा कि कैसे आपकी डाइकॉट लीफ तो डॉर्सी वेंट्रल है और मोनोकॉट लीफ आइसोबाइलेटरल है। बच्चों अभी डायग्राम क्लियर हो गया ना, कंसेप्ट समझ में आ गए पूरे? यस सर। शाबाश, आज तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस हवाएं निकल रही हैं। यस सर। चलो तो जो चीज अब हमने देखी समझी बस इन्हीं चीजों को अब हम लिखेंगे, वी विल राइट और डाउन ऑल दीज पॉइंट्स। लास्ट क्लास में आपको मैंने डाइकॉट मोनोकॉट में डाइकॉट लीफ के बारे में लिखवा रहा था, आपको बता दिया डाइकॉट में आपकी तीन तरह के ग्राउंड टिश्यू, तीनों तरह के टिश्यूज है, टिश्यू सिस्टम तीनों ही है, एपिडर्मल भी है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम है जिसमें मीसोफिल आ गया और वैस्कुलर टिश्यू सिस्टम है। आपका मीसोफिल दो पार्ट में डिवाइड था, पैलिसेड अब आपको समझ में आ चुका होगा, दूसरा था स्पंजी पैरेन्काइमा, और दोनों का नेचर कैसा है आपके, इन दोनों का नेचर है पैरेन्काइमेटिक्स, बोथ आर पैरेन्काइमेटिक्स, दोनों का नेचर पैरेन्काइमेटिक्स। तो चलो बच्चों राइट डाउन दीज पॉइंट्स, इन्हीं को लिखते हैं हम फटाफट। सबसे पहले बात करेंगे एपिडर्मिस से, आपके डाइकॉट लीफ के अंदर फर्स्ट हेडिंग एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में दैट इज इसमें आपकी जो अपर एंड लोअर सरफेस है, एडेक्सियल एपिडर्मिस, एबेक्सियल एपिडर्मिस, दोनों पर ही क्या प्रेजेंट होंगे आपके, दैट इज क्यूटिकल लेयर प्रेजेंट होगी, बोथ एडेक्सियल एंड एबेक्सियल epidermis have cuticle layer पहला पॉइंट। ठीक है, आपकी दोनों पे ही cuticle layer है। चलो दोस्त, ये cuticle layer कैसी होगी, that is conspicuous, आपकी conspicuous है यानी नजर आएगी, that is conspicuous। नेक्स्ट पॉइंट, आपके जो एबैक्सियल एपिडर्मिस थी इसमें स्टोमेटा कैसे होंगे, कम की ज्यादा, टेल मी, एबैक्सियल एपिडर्मिस पे स्टोमेटा कैसे हैं, कम की ज्यादा, ज्यादा ज्यादा, राइट राइट राइट, दैट कंटेन more stomata, ये point आप यहाँ पे कर दो। ठीक है, इसको mark कर, lower surface पे ज्यादा होते हैं, lower surface कौन सी है आपके, apex, इस पे ज्यादा stomata।
हमने जो पॉइंट्स ऊपर देखे थे बेटा वही सारे पॉइंट्स हम देख रहे हैं बस और कुछ नहीं है। और आपके जो एडेक्सियल है इस पे स्टोमेटा कम है। That have less stomata. ठीक है अब आ जाओ इसके बाद मीजोफिल पे। आपका मीजोफिल दो पार्ट में डिवाइड था, ग्राउंड टिश्यू का पार्ट है ये आपका, पैरेन्काइमेटस नेचर का होगा। कहां प्रेजेंट है? दैट इज प्रेजेंट बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस। आपकी अपर और लोअर एपिडर्मिस के बीच का पार्ट दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम दैट इज मीजोफिल। ठीक है किसका बना है? दैट इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमा पैरेन्काइमेटस। आपका पैरेन्काइमा का बना यानी पैलिसेड भी पैरेन्काइमेटस हो गया और आपका स्पंजी भी पैरेन्काइमा हो पैरेन्काइमेटस हो। अब पैरेन्काइमा का प्रेजेंट है बच्चों तो ये तो आपको पता ही है। पैरेन्काइमा का क्या काम था? सिंथेसिस करना। लीफ में हम पढ़ रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ तो इसके तीनों काम आपको याद है, सिंथेसिस भी करेगा फोटोसिंथेसिस, फूड को स्टोर भी करेगा और सिक्रेशन भी करेगा। तो सिंथेसिस क्यों कर रहा है? क्योंकि इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट है। ये पॉइंट यही सर हमने इसमें लिख दिया दैट कंटेन क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट है। और नेक्स्ट पॉइंट आपका ये दो पार्ट में डिवाइड है।